हेलो, कैसे हैं आप सब? लॉकडाउन की बाकी परेशानियां तो नहीं पता, बट ये मुझे डेफिनेटली पता है कि हर कोई, बी इट मेल और फीमेल, बॉडी हेयर एंड जस्ट हेयर एवरीवेयर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है ना? इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि आप अपने पूरे बॉडी के हेयर के साथ कैसे डील कर सकते हो। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें पता है, बट वॉट आई प्रोमिस इज़ द ट्रिक्स। So without further ado, let's start. We are going to go from head to toe. तो सबसे पहले मुझे आपको बताना है कि आप घर में बाल कैसे कट कर सकते हो। मैंने 2 वीक्स पहले ही अपने बाल कट किए हैं, तो वो वीडियो मैं नीचे लिंक कर दूंगी। राइट नाउ आई एम जस्ट गोना पुट माई हेयर अप एंड मूव ऑन। दिस कैन ईजिली बिकम अ वीकली रूटीन, और रूटीन्स करते वक्त इट्स ऑलवेज गुड टू पैम्पर योर सेल्फ। सो आई एम गोना हैव माई ग्रीन टी, आई एम गोना लिसन टू सम म्यूजिक, बट क्योंकि मुझे हेडफोन्स नहीं लगाना था, मैंने उसको नॉर्मल लैपटॉप पे लगाया हुआ है। अपनी ज्वेलरी वूलरी सब हटा दो एंड लेट्स मूव ऑन। आपको मेरे इंस्टाग्राम या प्रीवियस वीडियोज से पता ही होगा कि ये टिंकल के रेजर्स मुझे कितने पसंद है, बट सैडली ये थोड़े से ब्लंट हो गए हैं। सो आई एम गोइंग टू यूज़ द फेशियल रेजर एंड द अदर गुडीज दैट स्टाइल क्रेज हैज सेंट मी ओवर। ये वाला जो पैक है ये 500 रुपीज़ का है और इसमें 5 रेजर्स आते हैं। इट्स वेरी नाइस, गुड एंड स्टर्डी। उसी के साथ मुझे ये फ्लैक्सीड ऑयल भी मिला है, विच इज़ गोना बी ग्रेट फॉर स्किन। अगर आपके पास नहीं है तो आप जॉनसन्स बेबी ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप किसी भी तरह का क्रीम यूज़ कर लो। आई एम गोइंग टू यूज़ दिस रेजर टू रिमूव द फेशियल हेयर। फेशियल हेयर में आप नॉर्मल ड्राई क्लेंजिंग भी कर सकते हो, बट मुझे प्रॉपर डर्मा प्लेनिंग करने की आदत है, और जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा है इस तरह से मैं करती हूँ। बट ये सारी चीज़ों को मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है बिकॉज आई हैव स्पेसिफिक वीडियोस एक्सप्लेनिंग इन डिटेल कि ये कैसे करते हैं। प्लीज़ वो वीडियोस को देखना बिल्कुल नहीं भूलना, बिकॉज कोई भी चीज़ आपको पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ करनी चाहिए। और उन प्रीवियस वीडियोस में मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि इसको कैसे करना है, कब करना है, किस तरह से करना है, कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं। डन विद द फेस, लेट्स मूव ऑन टू द आईब्रोज। आईब्रोज भी मैं फेशियल रेजर ही यूज़ करके करती हूँ, और ये सारी ट्रिक्स जो मैं आपको बता रही हूँ ये मैं ऑलमोस्ट 2 साल से घर में कर रही हूँ, तो मैंने बाहर आईब्रोज बनवाना बंद कर दी है। हैंस यू कैन ट्रस्ट मी कि ये सारी चीज़ें बहुत ही इफ़ेक्टिव और हैंडी है वेन इट कम्स टू पर्सनल ग्रूमिंग। नेक्स्ट अप आर साइड लॉक्स एंड अपर लिप्स। अपर लिप्स और साइड लॉक्स के लिए आप वैक्स स्ट्रिप यूज़ कर सकते हो, ये भी काफ़ी ज़्यादा हैंडी है, बट मैं डर्मा प्लेनिंग करती हूँ इसीलिए मुझे रेजर की आदत है फॉर अपर लिप्स, प्लस मुझे बहुत ज़्यादा अपर लिप्स है नहीं। लेट्स मूव ऑन टू वैक्सिंग आर टेम्पल्स। अगेन थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्डेड है क्योंकि ये मैंने अपने इंस्टाग्राम के वीडियोस पे काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक माय IGTVs। बट द बेसिक सिंपल थिंग इज़ कि आप वैक्स स्ट्रिप लो, उसको वार्म अप करो और उसको रख कर आराम से पुल ऑफ कर लो। मैंने गलती से एक बार अपने टेम्पल्स पे रेजर कर लिया था और उसका इफेक्ट इतना ज़्यादा गंदा था कि अब मैं वैक्सीन से काम चला रही हूँ, बट एज सून एज द लॉकडाउन लिफ्ट्स आई एम प्लानिंग टू गो फॉर लेज़र एंड रिमूव इट कम्प्लीटली। लेज़र और नॉट, ये सारी चीज़ें अगर आपको आए तो ये काफ़ी हैंडी हो जाती है इन सिचुएशंस लाइक लॉकडाउन, या फिर अगर आपको किसी भी फंक्शन में जाना है, पार्टी में जाना है और आपके हाथ में टाइम नहीं है या सलॉन्स ओपन नहीं है। लेट्स गेट रेड ऑफ बोथ द साइड्स, और इसके बाद में मैं आपको बताने वाली हूँ कि वैक्सिंग से जो बाल नहीं निकलते हैं उन्हें आपको क्या करना है। As I mentioned before, आपको रेजर तो बिल्कुल भी नहीं करना है, so I'm going to explain you the other ways and other tricks. Wax strip के साथ ये finish wipes आते हैं which are oil based. ये wipes compulsory है use करना, because अगर आपने वो wax को पानी से निकालने की कोशिश की तो बहुत बड़ा mess हो जाएगा,
अगर आपके पास ये नहीं है या ख़त्म हो गई है तो आप घर में से कोई भी ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, बट रिमेम्बर आपके हाथ पे, आपके फेस पे, जहाँ पर भी आपने ये यूज़ किया है, आपको वो वैक्स सिर्फ और सिर्फ ऑयल से ही निकालना है। ये जो बाकी छोटे छोटे हेयर बच गए हैं जो वैक्स में नहीं आए हैं, उसको हम लोग प्लकर यूज़ करके निकालेंगे। इंश्योर कि आप इसके ऊपर रेज़र बिल्कुल नहीं यूज़ कर रहे हो, बिकॉज़ रेज़र मीन्स हेयर ग्रोथ द नेक्स्ट डे, और आपके फेस का हेयर और आपके टेम्पल्स का हेयर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है। बीइंग हाइजेनिक इज़ द फर्स्ट रूल ऑफ स्किन केयर, हेंस ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको अच्छे से वॉश करना है। करंटली मेरा जो फेस वॉश है, इट्स कॉल्ड सैसलिक डीसी, इट्स अ सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश विच इज़ ग्रेट फॉर एक्ने प्रोन स्किन। तो मैं ओवर द बेसिन वॉश करती हूँ, बट फॉर द सेक ऑफ द वीडियो आई एम जस्ट गोना डू एवरीथिंग हियर टू शो यू। एंड चूंकि मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा नाइस एंड क्लीन है, इसके ऊपर अब हम कुछ भी लगाएंगे तो वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। तो मुझे अपनी स्किन को आगे के प्रोसीजर के लिए ऐसे ही नहीं छोड़ना था, सो आई एम अप्लाइंग अ मड मास्क। मैं इसके बाद पूरा स्किन केयर करने वाली हूँ, बट आई एम गोना मेक अनदर वीडियो फॉर इट, बिकॉज दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट हेयर रिमूवल। टॉप टू बॉटम में नेक्स्ट स्टॉप है अंडर आर्म्स। अंडर आर्म्स के लिए भी आप वैक्स यूज़ कर सकते हो, बट इन माई केस आई यूज़ रेजर वाइल आई एम शेविंग हेयर ऑफ माई बॉडी। नेक्स्ट अप इज़ बॉडी हेयर। बॉडी हेयर रिमूवल के लिए रेजर इज़ माई फेवरेट ऑप्शन। मैं ऑलमोस्ट 10-15 साल से रेजर यूज़ कर रही हूँ एंड आई हैव फेस्ड नो इशू वॉट्सो एवर। ऑल्सो आप किसी भी तरह का रेजर यूज़ कर सकते हो, बट माई फेवरेट इज़ द फर्स्ट वन दैट आई शोड यू। द ट्रिक इज़ टू फर्स्ट टेक बाथ देन स्क्रब योर बॉडी। स्क्रब के लिए मैं ये वाले ग्लव्स यूज़ करती हूँ। आप नॉर्मल कॉफ़ी और शुगर वाला स्क्रब भी यूज़ कर सकते हो। बेसिकली आपको स्क्रब करके सारी डेड स्किन निकाल देनी है, ताकि अगर कुछ बचा हुआ हो तो वो रेजर में आ जाए। आई यूज़ बॉडी वॉश टू शेव। आप क्रीम यूज़ कर सकते हो, कंडीशनर यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल बार सोप यूज़ कर सकते हो। लेट्स वेट आर हैंड्स एंड गेट डाउन टू बिजनेस। सिंपल है, जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसको लैदर करो अपनी बॉडी पे अच्छे से, एंड देन जिस हाथ से आपने लैदर किया है उस हाथ को अच्छे से वॉश कर लो, सो दैट आपका जो रेजर है वो आपके हाथ से स्लिप होके कट ना हो। माई स्किन इज़ एज सॉफ्ट एज अ बेबी एंड देर आर नो रैशेज, एक्स्ट्रा थिक ग्रोथ या एक्स्ट्रा बाल। बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि रेज़र यूज़ करने से ये सारी चीज़ें जो आपको लगता है होती है वो बिल्कुल नहीं होती है। मैंने लाइफ में कभी वैक्स नहीं किया है। वाइल आई एम डूइंग माई हैंड आई विल गो डाउन एंड डू माई अंडर आर्म्स एज वेल। आई एम सो कम्फर्टेबल विद रेजर कि मैं डायरेक्शन का भी ध्यान नहीं रखती हूँ, इट जस्ट वर्क्स फाइन फॉर मी। नाउ अंडर आर्म्स करते वक्त यू हैव टू इंश्योर कि आपकी स्किन ऐसे नहीं है, आपको पूरी तरह से स्ट्रेच करके जितना आप उसको प्लेन कर सकते हो वो करो। इनफैक्ट मैं दूसरे हाथ में रेजर लेकर एक हाथ से उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करती हूँ। दिस विल इंश्योर कि आपको अननेसेसरी कट्स एंड इनग्रोथ ना हो। डायरेक्शन डजंट रियली मैटर फॉर मी, बिकॉज मेरे जो हेयर है वो बहुत ही ज़्यादा फाइन है और बहुत ज़्यादा नहीं है। बट अगर आपका थिक हेयर ग्रोथ है, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ द डायरेक्शन एंड शेव इन द डायरेक्शन योर हेयर इज़ ग्रोइंग। आपको एग्जैक्ट सेम चीज़ करनी है अपने पैरों के साथ, एंड फॉर प्यूबिक रीजन आई एम गोना मेक अनदर वीडियो। वंस यू रिमूव योर हेयर, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि हम अपने बॉडी पार्ट्स को मॉइस्चराइज करें। हियर आई एम यूजिंग बॉडी शॉप का स्ट्रॉबेरी। यू कैन इवन यूज़ एलोवेरा जेल या फिर जो भी क्रीम या मॉइस्चराइजर आपके पास अवेलेबल है। लेट्स नॉट फॉरगेट टू मॉइस्चराइज आर अंडर आर्म्स। नेक्स्ट टाइम गोइंग टू मूव ऑन टू द स्किन केयर, क्योंकि मैंने अपने फेशियल हेयर निकाला है एंड दैट इज़ द बेस्ट टाइम दैट यू कैन गिव द स्किन द फूड दैट इट रिक्वायर्स। और उसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ एलोवेरा जेल, माई होम मेड टोनर, डर्मा रोलर, सक्शन कप
एंड माय होममेड आइस ट्रे हैक. दैट वीडियो इज गोइंग टू कम अप नेक्स्ट. इस वीडियो में हमने अपने सर के बाल काटे, वी टू केयर ऑफ आर आईब्रोज, आर साइड लॉक्स, आर मस्टैश, आर फेशियल हेयर एंड बॉडी हेयर. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. एंड इफ यू हैव एनी सजेशंस, प्लीज 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 लेट मी नो, सो दैट आई कैन मेक मोर वीडियो फॉर यू गाइज. बाय.